रूस यूक्रेन के बीच 257 दिनों से जंग जारी है, तब से वॉर फ्रंट में टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार मौजूद है, जहां से हमारी टीम आपको पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस स्टेशन के बाहर से आप देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर विबोर्ग शहर में पोर्टोबाया इस जगह पर मौजूद है और यहीं पर नॉर्ड स्ट्रीम गैस का वो स्टेशन है जहां से गैस पाइपलाइन बाल्टिक सी के अंदर 1200 किलोमीटर होते हुए यूरोप में जर्मनी के लुबमिन में पहुंचती है। इस वक्त कैमरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को बीते 10 सालों में बदल कर रख दिया। ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि ये वो जगह है जिसे लेकर पूरी दुनिया में इस बात की बेचैनी थी कि आखिरकार अगर रूस इस जगह से लगातार गैस सप्लाई करके यूरोप को भेजता रहा तो फिर रूस का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ से गैस बाल्टिक सी में जाती है उस जगह पर जहाँ पर की जोरदार धमाका हुआ।